Hare Krishna, then with pranam to all the devotees, Vaishnavas, all gurus to Srila Prabhupada and Gurudev. हम आपके चिरऋणी और चिर आभारी हैं, जिस तरह से आप कथा के माध्यम से आप असंख्य असंख्य जीवों को आप भक्ति के मार्ग में जोड़ रहे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है कार्य है. और प्रभु जी, मैं हमारे जैसे लोग जो जिनको संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, उनको आप इतनी सरलता और सुगमता से संस्कृत के एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं, और आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से आप हम सबको जो इतने गहराई से आप शास्त्रों के सिद्धांतों को इतनी सरलता और सुगमता से आप हम सबको समझाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको न केवल समझ पाते हैं परंतु उनको जीवन में उतारने की एक भरसक चेष्टा करते रहते हैं. हालांकि वो तो बहुत मुश्किल है, कठिन है करना, परंतु फिर भी हम एटलीस्ट अभी हमें पता है कि हमें शास्त्र कि हमें क्या करना है, तो अभी हम उसको कभी ना कभी हम अपने उसके जीवन उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी उतार पाएंगे. तो उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं प्रभु जी. जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को खाने को भोजन को पूरा चूर्ण करके अब उसके मुंह में डालती है ताकि उसे चबाना ना पड़े, ताकि उसे पाचन में तकलीफ ना हो, उसी तरह से प्रभु जी आप संस्कृत के जटिल जटिल शब्द और इतनी शास्त्रों की इतने गूढ़ गूढ़ रहस्यों को, इतनी जटिल सिद्धांतों को इतनी सुगमता और सरलता से आप प्रस्तुत करते हैं कि वो जो है हमें समझने में बहुत आसानी होती है. और उसके साथ साथ जिस तरह से आप कथा का प्रस्तुतिकरण करते हैं वो इतना इतना आनंद और उत्साह देता है, और इसके लिए हम आपके आभारी हैं. और प्रभु जी, आपका और माता जी जिस तरह से सीधा साधा एक सदाचारी जीवन जीते हैं, आपके आचरण से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है. प्रभु जी, आप एक आदर्श गृहस्थ हैं जो हमेशा हमारे जैसे लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि हमें एक वैष्णव को किस तरह से गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, वो आप हमें सिखाते हैं. तो इसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं प्रभु जी. और अंततः मैं बस श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में और श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बस इतनी ही प्रार्थना करूंगी प्रभु जी की, 350 भी नहीं प्रभु जी, आपकी ऐसी कोटि 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 कथाएं हों और हमारे जैसे बद्ध जीवों का आप निरंतर जो है उनको आप भक्ति के मार्ग में जोड़ सकें. और आप जैसे कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने हमें एक हाईवे बनाकर दिया है, तो इस हाईवे पर आपने जो ये भागवत कथा का जो आपने साधन या वाहन बना के दिया है, इस पर हमारे जैसे लोग उसके साथ जुड़कर उस वाहन पर बैठकर भक्ति के मार्ग की और अग्रसर हों, बस ऐसी ही श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ. और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम विराम देती हूँ. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.